आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। ये शब्द बोल करके एक लौंग और एक इलायची अपने दिल के पास रख लीजिए। दिल में रहने वाले व्यक्ति को एक सिंगल सेकंड का चैन नहीं पड़ेगा। तत्काल उसे फोन, मैसेज, कांटेक्ट, बात करनी ही पड़ेगी। रिश्ता कितना भी खराब हो रहा हो, बिगड़े से बिगड़ा, खराब से खराब रिश्ता फिर से बन जाएगा। रिश्तों को पूरी तरह से बांध कर रखने की क्षमता है इसके अंदर। तो भाई अपने दिल के अंदर बांधने की कोशिश करो, सीख लो वो बंधन जिससे लोग 7 जन्मों के लिए एक हो जाते हैं, सीख लो वो व्यवस्थाएं जिससे जन्म जन्मांतर के लिए लोग एक हो जाते हैं, कोई चाहकर भी अलग हो ही नहीं पाए। ये ऐसा फंद फांस है जिसे सीखने के बाद पूरी दुनिया में कोई भी इसको अलग कर नहीं सकता। आपको पता होगा कि राम और लक्ष्मण को राक्षस दल यानी रावण दल के द्वारा एक ऐसी नाग फांस में बांध दिया गया था जिससे निकलना मनुष्य के लिए असंभव था। वो तो भगवान थे इसलिए निकल गए, इंसान नहीं निकल सकता। तो सीखिए आज हमारे साथ वो नाग फांस का बंधन। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान पूरी तरह से जहां किया जाता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। जो रिश्ते आसमान में बनते हैं, जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। कितना भी खराब हो गया हो रिश्ता, रिश्ते में कितनी भी खराबी हो गई हो, वो चाहे शादी में, चाहे शादी के पहले, चाहे शादी के बाद, हर समस्या का समाधान है लव विद एस्ट्रोलॉजी में। और यहां पर कोई बात कपोल कल्पित नहीं है। पिछले 20 सालों में अभी तक 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। ये यात्रा YouTube पर भी कुछ दिन से चलाई जा रही है, यहां भी अब 8 लाख लोग कंप्लीट होने वाले हैं। और हां, यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है, उसके भी ऊपर है एक्चुअली। धीरे धीरे हम और अग्रसर हो रहे हैं आगे की ओर और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के काम हो रहे हैं। हाँ, इस बात को मुझे स्वीकार करने में कदाचित संदेह नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि हाँ हम 2-4-5% लोगों के काम नहीं कर पा रहे हैं, पर क्योंकि इंसान तो इंसान ही है ना, कभी काम नहीं होने के का कारण मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन कभी काम नहीं होने का कारण वो व्यक्ति भी होते हैं जो हमारी बात नहीं समझना चाहते, शायद गलतियाँ करते हैं, शायद उपाय ठीक से नहीं करते, शायद जल्दबाजी करते हैं, शायद कुछ कई एक जगह कांटेक्ट कर लेते हैं, शायद एक साथ दो दो तीन तीन लोगों से काम करवाते हैं। ऐसी कितनी ही गलतियां हैं जिस वजह से हमारे यहाँ का सक्सेस रेट में 95% प्लस ही रह गया, उसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयत्न है कि हम 100-100 टच करें, नहीं हो पा रहा है। तो आपकी मदद मुझे मिल रही है, बाकी जगहों से बहुत अच्छा है, बाकी जगहों पे 10-12-15% का सक्सेस रेट है, हमारे पास 95% प्लस है। तो बहुत बहुत ग्राफ में फर्क है, लेकिन फिर भी हम असंतुष्ट हैं, क्योंकि तुम्हारा प्यार बहुत मिल रहा है, तो मुझे लगता है सबका काम होना चाहिए। खैर, आज की यात्रा भी शुरू करते हैं। और आपको पता है कि यहाँ रोज बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करा रहे हैं और हो रहा है। हमारे पास 4000 लोगों की रिसर्च करने की टीम है, हम 24/7 अवेलेबल हैं। पर ध्यान रहे, ये संस्थान तुम्हारा है, इसको ठीक रखना, इसे सुव्यवस्थित रखना, इसको अच्छा बनाए रखना, इसकी मर्यादा, इसका जो भी कुछ ताना बाना है उसे मेंटेन रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से एक पिता के घर में बच्चे उसका पूरा घर सजा के रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, वैसे तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस लव विद एस्ट्रोलॉजी रूपी घर को आप सब मिलके बहुत अच्छे से सजाएं और अच्छा बना के रखें।
या आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आज की यात्रा में हम कह रहे हैं कि एक लौंग और एक इलायची आपको इस मंत्र के साथ बांधकर अपने दिल के पास रखना है। इससे होगा क्या, आप रखेंगे अपने पास और आपके पार्टनर के दिल में वो नागफास का बंधन होगा, जन्म जन्मांतर का बंधन होगा, जन्मों के लिए एक होंगे आप और निरंतरता के लिए आप कनेक्ट होंगे, आप परमानेंटली एक साथ बंध जाएंगे और रेगुलरिटी में आपका अपना कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। पार्टनर कितना भी दूर हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कितना भी खराब हो, चाहे खुद नहीं चाहता हो, इमोशंस नहीं हो उसके अंदर, एकदम भूल गया हो, कितनी भी दूर चला गया हो, फिर भी ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा फंद फांस है, ये ऐसा नाक फांस है जिससे कोई बच नहीं सकता, ये ऐसा नाक फांस है जिससे भगवान भी नहीं बच पाए। राम और लक्ष्मण को नाक फांस में बांध तो दिया ही था, अगर वो भगवान नहीं होते और गरुण उनके पास नहीं होता, विश्व में एक ही इंसान है जो इस नागफास को काट सकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ गरुड़, दूसरा कोई नहीं। गरुड़ तो सिर्फ भगवान के लिए अवेलेबल है। तो कुल मिला के अगर इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो निश्चिंतता से समझना, पूरे विश्व में इसका काट नहीं है, तुम्हारा ही हो गया वो व्यक्ति, फिर कोई ताकत उसे तुमसे अलग कर नहीं सकती। जिस प्रकार तुम बंध गए तो जीवन पर्यंत के लिए बंध ही गए, मृत्यु भी आपको अलग नहीं कर सकती, अगले जन्म में भी आप एक साथ होंगे, जन्म जन्मांतर तक। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। जितनी बार आप जन्म लेंगे, जितनी बार आप मरेंगे, वही व्यक्ति साथ होगा तुम्हारे, छूट नहीं सकता, दूर हो नहीं सकता। कदाचित कोई भी परिस्थिति आ जाए तो भी, तो सीख लीजिए वो पूरी की पूरी व्यवस्था, क्योंकि रामायण 21 प्रकार की रामायण सारी की सारी रामायणों में ये लिखा है, और ये महीना सबसे सर्वोपरि है, और खास तौर से नागपंचमी, ओ माय गॉड, सुपर से ऊपर है ये, इससे बड़ा तो उपयोग ही नहीं है पूरी दुनिया में, इसके जैसा प्रयोग और उपयोग पूरे विश्व में बना ही नहीं, ऐसे समझ लीजिए आप। पूरे के पूरे विश्व में अष्ट पशु हैं, पर नाग फांस में 27 पशु हैं। तो जो चीज कहीं बनी ही नहीं, आप उसको निर्माण करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तंत्र का, मंत्र का, व्यवस्था का, शायद यही आगाज है। मंत्रों से, शक्तियों से, समूह से, व्यवस्था से, गुरु कृपा से, ताकत से, एनर्जी से, सब संभव है। दैवा धीनं जगत सर्वे, मंत्राधीना च देवता। दैवाधीनं जगत सर्वे, मंत्राधीना च देवता। ते मंत्रा गुरुर्धीना, तस्मात् गुरुर्देवता। क्यों गुरु को प्रणाम करते हैं, क्यों उसके शरणों में नतमस्तक होते हैं, क्योंकि वो मंत्र संपन्न है, उसके पास एनर्जी है, वो पावर है, वो शक्ति है जिसको आप नमन करते हैं। किसी को ऐसे ही थोड़ी प्रणाम करते हैं आप, प्रणाम करने के पीछे एक बड़ा बड़ा सीधा संपन्नता है। हमारे यहाँ प्रणाम का बड़ा सीधा मतलब है कि आप आशीर्वाद दे देंगे तो काम हो जाएगा, इसलिए लोग प्रणाम करते हैं। आप देखिए हमारे बगल में चैटिंग में आपको और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ एक ही चीज देख रहे होंगे, प्रणाम 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 प्रणाम, आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि पता है आशीर्वाद मिला कि काम हुआ। आशीर्वाद मतलब मंत्र की शक्ति है। आज वही साधन, वही व्यवस्था, वही नागफांस तुम्हें सिखा रहा हूं, वही बंधन आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वही व्यवस्थाओं को तुम्हारे साथ बांधने की कोशिश कर रहा हूं। ये कर लिया तो तुम्हारा पति हो चाहे पत्नी, लवर हो या प्रेमिका या प्रेमी, या तुम्हारा चाहने वाला या तुम्हारी चाहने वाली, या रिश्ते का कोई भी नाम रख लो, हर रिश्ता तुम्हारा होगा। बीच वाली उंगली ऐसे करना, अब नमस्ते करो, मतलब बीच वाली उंगली मोड़ कर नमस्ते कर लीजिए, नीचे से भी जोड़ लीजिएगा पूरा नमस्ते। अब मैं आपको गारंटी देता हूं
कि आप ये सारी उंगलियां उठा सकते हैं, उठा लीजिए, जो भी उंगली उठा सकते हैं उठा लीजिए, पर आप रिंग फिंगर नहीं उठा सकते। उठा के दिखाइए। युति कहते हैं इसे, है कुछ नहीं, सारी की सारी उंगलियां उठेंगी, रिंग फिंगर नहीं उठती। उठा के दिखाइए, युति कहते हैं। अब देखो, काम जैसा कुछ नहीं है, किया कुछ नहीं, सिर्फ मिडिल फिंगर यानी जिससे तुम गालियां देते हो, तुम्हारा जो क्रोध है, तुम्हारी एंजाइटी जो है, जो तुम्हारी बुरी चीज है, उसको हमने अंदर कर लिया, अंतर्मुखी कर लिया। मात्र ये युति सो छोटी सी तुम्हारे इस, जिसमें तुम कौन सी उंगली नहीं उठा पा रहे हो, जिसमें तुम इंगेजमेंट करते हो, कौन सी उंगली नहीं उठ रही है, जिस उंगली की नस सीधा तुम्हारे हार्ट यानी तुम्हारे दिल से कनेक्ट है, उसको तुम नहीं उठा पा रहे हो। हाँ, उठ रही क्या? और इसको उठाने का तरीका क्या है? सारी उंगलियां उठा लीजिए, फिर ये भी उठ जाएगी, सारी उठा लीजिए, फिर ये भी उठ जाएगी। जैसे ही आपने सारी उंगलियां बंद की, अब नहीं उठेगी। अब नहीं उठती मतलब नहीं उठती, आप कितना भी प्रयास कर लें, जबरदस्ती थोड़ा बहुत हिला डुला तो लेंगे, अपनी नसों की ऐसी तैसी करके आप थोड़ा बहुत टसल्स तो कर लेंगे, लेकिन होने का कुछ नहीं। जरा समझने की कोशिश करना, छोटी छोटी युक्तियां ही काम करती हैं जीवन में, छोटे छोटे युक्त काम करते हैं। जोग जुगति जप मंत्र प्रभाऊ, जोग युक्ति, वही कह रहा हूं मैं, वेद में लिखा है जोग युगति जप मंत्र प्रभाऊ। कौन कौन सी चीजें? योग और वो युक्ति छोटी छोटी। योग जो ने बोले बड़ा जुगत लगा रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो भाई, बड़ी कोशिश कर रहे हो, बड़ा कुछ अंदर अंदर चल रहा है, क्या बात है? तो जोग जुगति जप मंत्र प्रभावू, ये सब प्रभाव कब फलते हैं? फल ही तब ही जब करव दुराऊ, जब छुपा के करोगे, गुप्त रूप से करोगे, गुरु का आदेश लेकर करोगे, उसके चरणों में सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखकर करोगे, डेफिनेटली फल मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? पूरे विश्व को मिल रहा है, जो हिंदू नहीं है उनको मिल रहा है, क्योंकि मंत्र हिंदू मुस्लिम थोड़ी जानता है, हिंदू मुस्लिम से ईसाई कुछ नहीं जानता मंत्र। अमेरिका में बड़े बड़े क्रिश्चियंस जो टॉप लेवल पर बैठे हैं वो भी इन सब चीजों को मानते हैं। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, गूगल करके देख लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल, जिसके फोन और सब लेना लोग बड़ा अपना सौभाग्य समझते हैं, उसको उस लोगों से लेकर के और उसकी संपन्नता तक की जो कहानी है वो भारतवर्ष के किसी ऋषि, किसी महंत, किसी संत, किसी देवता, किसी गुरु की लिखी हुई है, और वो मानता है इस बात को। गूगल करके देख लीजिए, उनका नाम लिखिए और देखिए कि उनके गुरु कौन है, तो आपको दिखा गया नीम करोड़ी बाबा उनके गुरु हैं। और उनके ही नहीं, फेसबुक के मालिक हों, गूगल के मालिक हों, एप्पल के मालिक हों, आप जितने भी बड़े लोगों को विश्व भर में जानते हैं वो सबके गुरु जी हैं। तो बात वो मतलब नहीं, अब तुम में से कुछ मूर्ख वहां भागने लगेंगे। कहने का सीधा संबंध है, कोई एक है नहीं, गुरु एक शब्द है, जिस शब्द के प्रति जिसकी जैसी श्रद्धा निष्ठा बन गई उसको वैसा बेनिफिट मिल गया, मैं ये कहना चाह रहा था। तो गुरु ना मैं, ना वो, ना कोई और, गुरु एक शब्द है, एक पर्याय है, एक व्यवस्था है, एक साधन है, एक सिस्टम है। चलो इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, कभी कभी कुछ सिखाता हूं तुम्हें। कुछ महाभट्टाचार्य लोग हैं जिनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा होगा, लग रहा है जल्दी से उपाय बताए, पता है कुछ लोग तो स्किप कर करके भी देखेंगे, ऐसे भी महामहोपाध्याय हैं। अब इन्हीं महामहोपाध्याय के चक्कर में मैं 100% नहीं हो पा रहा हूँ, वो 99+ ही रह जा रहा हूँ, वो 95+ रहना भी ऐसे भी महापुरुषों की बात है। उपाय तब फर्क करता है जब तुम उसकी पूरी महिमा और पूरा सिस्टम, पूरी बात समझ लेते हो, वरना फल नहीं देता। तुम समझते ही नहीं हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है उसके बारे में सब कुछ, तो कर ही नहीं पाओगे उतने अच्छे तरीके से, है ना। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। आपके बीच का अनुभव है, ये अनुभव हम पूरी की पूरी संस्तुति लेकर करते हैं, अनुमति लेकर। जो बहुत कहता है तब सुनाते हैं, वरना हमारे यहाँ तो गुप्त रखी जाते हैं चीजें, हम किसी की कोई बात बाहर नहीं आउट करते, है ना। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरु जी, थैंक यू सो मच कि मेरे लाइफ को ट्रैक पर लाने के लिए। मेरे लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही थी,
तो मैं सोची भी नहीं थी कि एक दिन ये सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से आपकी मैंने वीडियो देखते देखते यूट्यूब पर आपकी वीडियो देखी और आपको फॉलो करी, तो अब मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे ना आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो भी एक दिन पूरा खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति हो ऐसी इच्छा रखता हूँ। सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूँ। आपको चाहिए एक लौंग और एक इलायची। अब एक लौंग और एक इलायची का ये जो प्रयोग है इसको बहुत ध्यान समझिएगा। आपको किसी भी एक कपड़े में पोटली बनानी है जिसमें पहले एक लौंग और एक इलायची रखनी है और 8 काले धागे के छोटे छोटे टुकड़े रखने हैं और उन 8 को अष्टवशु कहते हैं। उनको एक एक करके रख दीजिएगा, एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस करते हुए प्लस का निशान बनाते हुए रखते चले जाइए। सबको अष्टवशु 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 ऐसे कहिएगा तो 8 में 8-8 अष्टवशु होंगे। ऐसा करने के बाद 5 लाल टुकड़े वैसे ही रखिएगा, तत्पश्चात 3 पीले वैसे ही रखिएगा, फिर सफेद 4 वैसे ही रखिएगा। ये सारे के सारे धागे बराबर बराबर मात्रा के बराबर बराबर साइज के होने चाहिए। इनको सबको रख करके ऊपर से हाथ रख के ओम श्री नागार्जुन गुरुवे नमः, नागार्जुन गुरुवे नमः, नागार्जुन गुरुवे नमः ऐसा बोलना है, नागार्जुन गुरुवे नमः ऐसा बोलना है हाथ रख करके, और तत्पश्चात ओम आखिरी शब्द बोल रहा हूं। ये शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दुनिया में धरा पर कलयुग में नागार्जुन ने इसको संपादित किया, इसलिए उनका नाम लेना बहुत आवश्यक है, उनको प्रणाम करना बहुत आवश्यक है। बहुत बड़े ऋषि हुए साउथ के, उनको पहले प्रणाम करें फिर ये शब्द बोले। ओम नमः सर्वेभ्यो नमः ऐसा बोल रहे, क्या बोलना है? ओम नमः सर्वेभ्यो नमः ऐसा बोल रहे और बस बांध दीजिए। बांधने के बाद अपने ही हार्ट के पास, दिल के पास रखिएगा दबा के 24 घंटे, पूरा 24 घंटे। 24 घंटे पहले मत निकालना, तपस्या है ये, साधना है। इसे नाग फांस कहते हैं। तत्पश्चात इसको किसी छोटे बर्तन में दूध में भर करके जमीन में कहीं दबाइएगा। दूध पिलाते हैं नागों को, बोलकर मत देखिएगा। 99.9% बार अंदर से सर्प निकलते हैं, तो खोल के मत देखना। सर्प मतलब वो उतने बड़े बड़े पोटली में नहीं आएंगे, लेकिन छोटे सर्प निकलते हैं, तो कृपया खोलकर मत देखिएगा। निवेदन कर रहा हूं, बहुत मन से करना, लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। तुमने नागार्जुन गुरुवे नमः कह दिया तो तुम्हारा अहित तो कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ हित है। इसका पूरा का पूरा साइड इफेक्ट खत्म करके आपको बताया गया है। पूरे श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसका गलत प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए इसको खेलित किया गया है। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी। खुश हो जाइए, प्रसन्न होइए, मुस्कुरा कर करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए। रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना बंद कर दीजिए। मेरी बात मानेंगे, जैसा हम चला रहे हैं वैसा चलिए तो सही, सब ठीक हो जाएगा। छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, बगडंडियों में, ख्यालों में, विचारों में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।